और पसंदीदा करेंगे। इससे पहले कि मैं किसी शायर को ताकत सुखम दूँ, उनके लिए माहौल बनाने के लिए चंद शेर पढ़ता हूँ। किसी शायर ने कहा है कि पड़ेगा गांव में छप्पर मुशायरा होगा, पड़ेगा गांव में छप्पर मुशायरा होगा, हमारे गांव में घर घर मुशायरा होगा। अदब नवाज है हर शख्स मेरी बस्ती का, मरेगा जब कोई शायर मुशायरा होगा। और चुनाव जीत में जाएगा जब कोई लीडर, असेंबली में भी लड़ टटकर मुशायरा होगा। तो मैं आज के मुशायरे में तब्दीली लाने के लिए, महफिल कहा पर्दा करने के लिए एक शायर को दावत सुखन देने जा रहा हूँ, जिन्हें महफूज आदमी कहते हैं। महफूज आदमी साहब से गुजारिश है बाइक को तशरीफ लाए। मैं आप लोगों के सामने मजाहिया ही सही थोड़ा हालात से गुजरा हुआ भी है। मुंबई के फुटपाथ पर लोग यही गुजारते थे, आज के लोग सुकून में आ गए हैं। एक दौर वो गुजरता सुनाता हूँ और एक भोजपुरी में, यानी कि बिल्कुल यूपी की भाषा में एक कविता सुना। ये जो मैंने लिखा है ये बहादुर शाह सफर की जमीन है और हालात मुंबई के उन गरीबों के जो गरीबी में अपनी जिंदगी गुजारकर या तो कुछ दफन हो गए या वतन चले गए। लगता नहीं है दिल मेरा वो हिंदी बाजार, अब इसका होगा लगता है कि मेरा उठने गया। लगता नहीं है दिल मेरा हिंदी बाजार में, लगता नहीं है दिल मेरा हिंदी बाजार में, किसकी बड़ी अंधेरी में मुकरा विरार में। हिंदी बाजार उम्रे दराज मांग कर लाए थे चार दिन, उम्र दराज मांग कर लाए थे चार दिन, तो बादले में कट गए तो टल बाजार में। लगता नहीं है दिल मेरा भिंडी बाजार में, घर से चले थे सोच के कुछ कर दिखाएंगे, घर से चले थे सोच के कुछ कर दिखाएंगे, लगता है हमको मर के कफन भी ना पाएंगे, लगता है हमको मर के भी कफन भी ना पाएंगे। क्या लेके आए थे यहाँ क्या लेके जाएंगे, बच्चों को अपने कौन सा चेहरा दिखाएंगे। हर आदमी उड़ गई घर को गुबार में, क्या बात है वाह वाह है दिल मेरा भिंडी बाजार। अभी आखिरी शेर है, रहते हैं बम्बई में होली को तरसते हैं, रहते हैं बम्बई में होली को तरसते हैं, बेदर के आशिया में फुटपाती रसते हैं, बेदर के आशिया में फुटपाती रसते हैं, हम पर तो यहाँ हर शब्द डंडे ही बरसते हैं। पुलिस वाले आते हैं रात को, पुलिस वाले आते हैं झगड़ा नहीं थे, उठ उठ तुझे पूछे रात का काय कर, हम पर तो यहाँ हर शब्द डंडे ही बरसते हैं, महफूज कब चलोगे अपने दयाल में। लगता नहीं है दिल मेरा हिंदी बाजार में। अब मैं एक आपको भोजपुरी सुनाता हूँ और इस भोजपुरी में अभी मैं बैठा था तो कुछ आवाज उठी थी तो वही महंगाई पे कुछ सुनाओ, किसी ने कहा था कि कुछ महंगाई पे सुनाओ, शेर को पढ़े तो महंगाई है, महंगाई है हमारी आज की आबादी जिसे आप लोग कहते हैं कलयुग, इसे मैं कहता हूँ क्यों युग, क्यों मैंने लाइन, हमको हर काम के लिए लाइन लगाना पड़ता है। इस पर मैंने एक छोटी सी भोजपुरी भी लिखी है,
मक्खी मच्छर, बढ़ रहे देश की आबादी इंसान बने मक्खी मच्छर, दर दर के भीड़ भड़क्का में है जिंदगी का छिछा लेदर, कागज बस जहां जहां पहुंचे कार्यक्रम में काम, कागज बस जहां जहां पहुंचे पाला पड़ गा ये गाइड से, का करे निकारे बदे काम हम खड़ा हो गए गाइड से, पहुंचे राशन की दुकान पे, पहुंचे राशन की दुकान पर भूखड़ गए लगा रहा मेला, और घुदल के भरी बजरा खातिर तुम करत रहे ठेली ठेला, तिलक दिए ब्राह्मण देवता, तिलक दिए ब्राह्मण देवता, फिर गए कई बाइक से और आपन इज्जत पानी लेके हम खड़ा हो गए लाइन से, रणमचल रेल के टिकट बदे, रणमचल रेल के टिकट बदे कितने के जेबवा काट गए, हम लोग कुल तैया छिदाए गए धोती कुत्ता को फाट गए, कल्याण में चालू में गर्मी के दिन में कितनी की लगी, रणमचल रेल के टिकट बदे कितने के जेबवा काट गए, हम लोग कुल तैया छिदाए गए धोती कुत्ता को फाट गए, हम मन में अपने सोच लिया पाला पड़ गए कसाई से, और हरि नाम सुन ले के जब हम खड़ा हो गए लाइन से, खुलल सनीमा के खिड़की ट्रिपलेटा की, खुलल सनीमा के खिड़की जे हवा तूफान जब आए, हम सोचे कुछ जतन करें, हम सोचे कुछ जतन करें, कब से बिलवा चिल्लाए कि नटक धे के टीप दे, जो फांसी चढ़ जा भलाई से, जो देखे अगर आंख लाल हम खड़ा हो गए, अगर बस बस्ती है महबूबा महबूबा शौरा की तकलीफ पीड़ित है, बहुत तकलीफ पीड़ित है, बगवन से कुछ बसव चले के लोहा ले बदमाई से, और कोखे साथी फिटिंग दाब हम खड़ा हो गए।